मधुविहार इलाके में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने बाप और बेटे पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पेचकस, दूध की ट्रे, डंडे से हमला किया। इस दौरान एक बदमाश ने गोली भी चला दी। गोली कांति प्रसाद के पेट को छूकर निकल गई, लेकिन सीने पर लगी चोट के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई। फायरिंग भी हुई है, उनके पेट से गोली लग के गई है, एक उनके फ्रेंड को गोली लगी है, पेचकस कमर में डाला हुआ है और दूध की ट्रे से उनके पेट पे और डंडों से उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई करी है। पेट की, पेट में इन्फेक्शन हो गया था, आंतें तक फट गई थी उनकी पेट की, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उन्हें। वहीं इस हादसे में कांति का बेटा और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों को GTB अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दो दिन के इलाज के बाद कांति प्रसाद ने दम तोड़ दिया। मैं तो रात में आया था काम पर, तो छोटे भाई ने बोला पापा लड़ाई हुई, फिर भागा भागा गया तो वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। मेरे बड़े ताऊ के घर गए थे ना, फिर वहाँ से नीचे तो लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। पापा को पिटते थे, मैंने छुड़ाव करा तो उन लोगों ने मुझे ही मारा। इस संबंध में मधुविहार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद मुख्य आरोपी महबूब को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मधुविहार से सचिन के साथ आशीष शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।